एडजेक्टिव्स अर्थात विशेषणों की डिग्री के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और यहां हमने विशेषण की सूची लिखी है, ठीक है। और इन विशेषणों की जो डिग्री है, ये पहला रूप, ये दूसरा और ये तीसरा रूप, ये तीन रूप हमने यहां पर लिखे हैं, ठीक है। विशेषण के यहां से आपको समझना है और साथ साथ हम आपको नियम भी बताएंगे। क्या बताएंगे? नियम बताएंगे। और ये जो डिग्री है बेटा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व है। वार्षिक परीक्षा में निश्चित तौर से आएंगे यहीं से, है ना। और ये जो डिग्री है, हमने एक बुकलेट मिली हमको, ठीक उस बुकलेट से हमने लिखा है, ठीक है। चलिए ग्रुप टू करते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स अर्थात विशेषणों की डिग्री। और यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तीन रूप है। पहला रूप है क्वालिटेटिव डिग्री, दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री सामान्य अवस्था, कंपेरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था, इसको हिंदी में कहते हैं। आशय है बेटा कि पॉजिटिव डिग्री मतलब सामान्य अवस्था, ठीक है। कंपेरेटिव अर्थात उत्तरावस्था भी कह सकते हैं या इसको तुलनात्मक अवस्था भी कह सकते हैं विशेषण की, और ये सुपरलेटिव डिग्री अर्थात उत्तमावस्था, यानी सबसे ऊंचे दर्जे की, ठीक है। अभी आप नीचे शब्दों को समझोगे तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। याद रखिए, जैसे हमने पहला शब्द कहा GOOD, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा, ठीक है। अब इसी को हमको कंपेरेटिव डिग्री बदलना है, तो उसके लिए हो जाएगा गुड का बेटर, BETTER, बेटर। बेटर मतलब ज्यादा अच्छा, बेटर मतलब ज्यादा अच्छा। गुड है अच्छा, ये सामान्य अवस्था हो गई, ठीक। बेटर मतलब ज्यादा अच्छा, यानी उससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मोहन सोहन से ज्यादा अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। बस समझ आ रही है। तो इस प्रकार अभी हम आपको अगली वाक्य में प्रयोग बताएंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रामू इज बेटर देन श्यामू, रामू श्यामू से अच्छा है, ठीक है बेटा। और इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा? बेस्ट, BEST, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट है सबसे अच्छा, जितने भी हैं उन सब में अच्छा, यानी सबसे उत्तम अवस्था, यानी सबसे ऊंची अवस्था हो गई, ठीक है बेटा। तो ये तीन डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। इन तीनों में हमको बदलना है। बदलने के कुछ नियम भी हैं, ठीक है। अब नियम क्या है, उस नियम को मैं दो चार आपको यहां पे सब पढ़ा देता हूं, इसके बाद नियम बताऊंगा, तब आपको समझना है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर लिखा LONG, लॉन्ग। लॉन्ग यानी लंबा, हाँ, लॉन्ग यानी लंबा। अब इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है? लॉन्गर। और सुपर डिग्री क्या है? लॉन्गेस्ट। स्पेलिंग LONG लॉन्ग, LONGE लॉन्गर, LONGEST लॉन्गेस्ट, ठीक। अगला सब, अब लॉन्ग यानी लंबा हुआ, और लॉन्ग यानी ज्यादा लंबा, और लॉन्ग यानी सबसे लंबा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार FAST फास्ट, फास्ट यानी होता तेज, इस सामान्य अवस्था है तेज। FAST यानी फास्टर, ज्यादा तेज, और फास्टेस्ट, FASTEST फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, ठीक। इस तरह SHORT शॉर्ट, शॉर्ट यानी ओछा, ठीक। शॉर्टर, SHORT या शॉर्टर, शॉर्टर ज्यादा ओछा, ठीक। ज्यादा सकरा भी कह सकते हैं, उसे नेरो आता है, सकरा के शब्द के लिए क्या आता है? नेरो आता है सकरा के लिए, किंतु छोटा के लिए ओछा के लिए शॉर्ट। और शॉर्टेस्ट, SHORTEST शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा, ठीक। और हम बता देते हैं यहां पर BIG बिग, बिग यानी बड़ा, और BIGGER या बिगर, बिगर यानी ज्यादा बड़ा, और BIGGER बिगर,
बिगेस्ट है सबसे बड़ा। ठीक, अब देखिए हमने आपको यहाँ पर पांच शब्द पढ़ा दिया। पांच शब्द पढ़ाने के बाद हम बताते हैं नियम। क्या बताते हैं आपको? नियम। नियम ये है बेटा कि जब हमको पारिव डिग्री में जो विशेषण दिया हुआ है उसको कॉम्पेरेटिव और सुपर डिग्री बनाना हो तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं अंत में? ई आर जोड़ते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए, और सुपर डिग्री के लिए हम जोड़ते हैं ई एफ टी। आप यहां देख रहे हो ये गुड तो अलग है, इसका बेटर कर दिया गया, पर बेटर में क्या किया गया है? ई आर जोड़ा गया है, जोड़ा गया है yeah. और इसमें क्या जोड़ा गया है? ई एफ टी जोड़ा गया है ये। ठीक yes. इस सब देखिए, लॉन्ग में लॉन्गर में ई आर जोड़ा गया है और लॉन्गेस्ट में ई एफ टी जोड़ा गया है। इसी प्रकार फास्ट में ई आर जोड़ा फास्टेस्ट और ई एफ टी जोड़ा गया फास्टेस्ट। इस तरह शॉर्ट में किया जो है शॉर्टर और शॉर्टेस्ट में क्या जोड़ा गया है? ईएसटी जोड़ा गया है। इधर इसी प्रकार बिग बिगर में यह जोड़ा गया है और यहां पर ईएसटी जोड़ा गया है। तो नियम क्या बना कि जब हमको किसी विशेषण को एडजेक्टिव को क्या बनाना है, हमको उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाना है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ई आर और ई एस टी उसमें जोड़ देंगे। कंपेरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ेंगे आगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? ई एस टी जोड़ेंगे। ठीक है yeah. ये नियम समझ में आ गया आप लोगों को? कंपेरेटिव yeah. डिग्री बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी उस शब्द के अंत में जोड़ना है। जैसे यहां लॉन्ग ले ले तो लॉन्ग शब्द के ये लॉन्ग यहां भी है, ये है ये लॉन्ग लॉन्ग है yes. कॉम्पेरेट बनाने के लिए याद जोड़िए तो लॉन्गर हो गया, और सुपर लेट बनाने के लिए ईएसटी जोड़े तो लॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है yes. ये सब तो लॉन्ग 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 शब्द है कि नहीं है yes. केवल उनमें कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए हमको याद जोड़ना है, सुपर लेट बनाने के लिए हमको ईएसटी जोड़ना है। ठीक yes. अब इसके कुछ और भी नियम बेटा, और भी इसके कुछ नियम है। ठीक yeah. उन नियमों को हम धीरे धीरे करके आपको बताते चलते हैं। यहां देखिएगा कि आपके मन में एक विचार आ सकता है कि सर यहां पर बी आई जी बिग है और यहां पर बी आई डबल जी कर दिया गया, यहां पर बी आई डबल जी कर दिया गया, तब जाके ई आर एस टी जोड़ा गया। तो इसमें भी एक नियम है बेटा, और नियम क्या है कि जब कोई एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के अंत में जो लेटर आता है अर्थात अक्षर आता है वो अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई स्वर आया है ए ई आई ओ यू, तो हम क्या करते हैं उस शब्द की कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए जी को या जो आखिरी का जो व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे यहां डबल कर दिया गया है जी को, यहां जी को डबल कर दिया गया, उसके बाद हम ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। ये नियम है, याद रहेगा yeah. जब किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन शब्द आता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ठीक आता है किंतु उसके तुरंत पहले कोई स्वर अर्थात वावेल आता है ए ई आई ओ यू, इन पांच में से कोई एक आता है तो उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर और डबल करके ई एस टी जोड़ते हैं। क्लियर हो गया बात? yes. इसमें एक और नियम बैठा याद रख लीजिएगा, किंतु इस कॉन्सोनेंट अंत में आए कॉन्सोनेंट के पहले कोई स्वर आया है किंतु वह डबल है, पास पास में दो स्वर आ गए हैं, अभी नीचे शब्द आएंगे उसमें बताऊंगा। ठीक जैसे ये देखो डी डबल ई पी डी, यहां पी तो कॉन्सोनेंट है पर ई क्या है? एक वावेल है किंतु ये वावेल डबल है, इसलिए हम इसमें पी को डबल नहीं करते केवल ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं बस। ठीक है yes. ये भी एक नियम है, और आगे जो जो भी नियम आते जाएंगे उन नियमों को हम बताते जाएंगे। हम सबसे पहले बहुत सीरियसता से इन शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा yes. अब देखिए यहां पर आ रहा है स्मॉल ए से ले डबल स्मॉल, स्मॉल में ई आर जोड़ गया स्मॉलर और स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है yes. आपको ई आर और ई एस टी जोड़ना है,
हम पहले शब्द की स्पेलिंग बोलेंगे, बाकी ये बोलेंगे, ठीक है। फिर एच ओ टी हार्ड, हार्ड यानी गर्म, एच ओ डबल टी या हार्टर, और एच ओ डबल टी एस टी हार्टेस्ट, और एस टी जोड़ दिया गया है। अब यहां भी देखिए, ये अंत में टी जो है कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन है, किंतु उसके पहले एक वावेल ओ आया है, इसलिए टी को डबल कर दिया गया है और ईआर और ईएसटी जोड़ा गया, ठीक है। फिर सीओ एल टी कोल्ड, फिर कोल्ड का यानी ठंडा, कोल्डर और कोल्डेस्ट, है ना, कोल्डर यानी ज्यादा ठंडा और कोल्डेस्ट यानी सबसे अधिक ठंडा। फिर ओ एल टी ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना है, और ओल्डर यानी ज्यादा पुराना, और ओल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा पुराना, ठीक। फिर स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, स्लो यानी धीमा, स्लोअर ज्यादा धीमा, और स्लोवेस्ट सबसे अधिक धीमा। डी डब्ल्यू बी डी, डी मेरे गहरा, डिपर ज्यादा गहरा, डिपेस्ट सबसे अधिक गहरा। फिर टी एल ओ टाल, टाल अरे ऊंचा, टालर अरे ज्यादा ऊंचा, और टाले खरे सबसे अधिक ऊंचा। और हाई, एच आई जी हाई, आई एन ऊंचा, हाई एन ए ज्यादा ऊंचा, और हाई एच अरे सबसे ऊंचा। एच डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्वीट, स्वीट अरे मीठा, स्वीटर अरे ज्यादा मीठा, और स्वीटेस्ट अरे सबसे मीठा। अब देखिए यहां पर भी टी कॉन्सोनेंट अंत में आया है, किंतु उसके पहले ई आया, पर ई डबल होने की वजह से टी को डबल नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, फिर अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका आगे लिखा है, आप देखेंगे बेटा मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखा है, मोर ब्यूटीफुल, ये लिखा है मोर और ब्यूटीफुल लिखा है, और यहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा है। अब यहां पर एक नियम आता है, अब नियम क्या आता है कि ऐसे कुछ शब्द हैं जो जिनकी जो स्पेलिंग है, जिनका जो वर्तनी है वो काफी लंबी है, ठीक, और लंबी स्पेलिंग होने की वजह से उनमें हम ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें दो या उससे अधिक सिलेबल अर्थात शब्द खंड आते हैं। ये बड़ा सिलेबल आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, ठीक है, तो जो लंबे, आप इतने मान लो कि जो शब्द लंबे आते हैं, लंबे होते हैं, उनमें हम ई आर या ई एस टी जोड़ करके कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते। हम क्या जोड़ बनाते हैं, उन शब्दों के आगे मोर जोड़ते हैं, क्या बनाने के लिए, कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए, और मोस्ट जोड़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल है सुंदर, मोर ब्यूटीफुल है ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल है सबसे अधिक सुंदर, ठीक, या सबसे ज्यादा सुंदर ये भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखिए यहां पर अगला शब्द एस आई एम पी एल, सिंपल, सिंपल का मतलब होता है सरल, है ना, या साधारण या सामान्य, सिंपल यानी ज्यादा सरल, और सिंपलेस्ट यानी सबसे अधिक सरल, ठीक है। यहां देखेंगे बी आर आई जी टी ब्राइट, ब्राइट यानी चमकदार, ब्राइटर ज्यादा चमकदार, और ब्राइटेस्ट सबसे अधिक चमकदार। फिर टी एच आई थिन, थिन का मतलब होता है दुबला पतला, टी एच आई डबल एन एम थिनर, ज्यादा दुबला पतला, और टी एच आई डबल एन एस थिनर, इन्हें सबसे अधिक दुबला पतला। यहां पर देखिए ए लास्ट में आया है, कॉन्सोनेंट है ये, और इसके पहले आई एक वावेल आया है, इसलिए एन को डबल कर दिया गया है, ठीक है। फिर एच ई ए वी वाई हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, हैवी का मतलब क्या होता है, भारी, जो ज्यादा वजन का हो उसको हैवी कहते हैं। अब इसमें भी ई आर ई एच ई एस टी जोड़ते हैं, इसमें एक नियम है बेटा कि ऐसी ऐसे विशेषण जिनके अंत में वाई आया हो, क्या आया हो, वाई आया हो, तो वाई का हम आई करके ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे एच ई ए वी वाई हैवी में वाई आया है, तो वाई का हमने क्या कर दिया, यहां पर आई कर दिया, और क्या जोड़ दिया, ईआर, तो क्या हो गया, हेवियर, और इसी प्रकार यहां वाई का आई करके ई एस टी जोड़ दिया, हेवियर। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी एडजेक्टिव में उस शब्द के अंत में वाई आता है तो वाई को आपको आई कर देना है, वाई के स्थान पर आई कर देना है, और ई आर ई एस टी जोड़ करके उसको लिख देना है, लिख लोगे। Yes. अगला एल आई जी लाइट, लाइट यानी
हल्का, लाइट का मतलब हल्का भी होता है बेटा, ठीक है? यस। लाइट का मतलब लाइट में प्रकाश भी होता है, लाइट में हल्का भी होता है, तो यहाँ हल्के से आता है। लाइटर ज्यादा हल्का और लाइटेस्ट सबसे अधिक हल्का। डार्क, डार्क यानी गहरा, या इसको हम काला भी कह सकते हैं। डार्क यानी गहरा, डीआर के डार्क, और डार्कर डार्केस्ट, ठीक है? ज्यादा गहरा सबसे अधिक गहरा, या ज्यादा काला सबसे अधिक काला। फिर बीएडी बेड, बेड यानी होता है बुरा, बेड यानी बुरा। अब यहां पर इसका जो डिग्री है इसमें थोड़ा बदल दिया गया है, जैसे गुड का बदल दिया गया था गुड बेटर और बेड, इसी प्रकार बेड का बेड ओस और ओस्ट होता है। तो इनको आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि इनका क्या होता है, गुड का क्या होगा, और यहां पर आप देख रहे हैं बेड, तो ये बेड का क्या होगा, इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है। बेड ओस, डब्ल्यू ओ आर एस टी ओस, ओस यानी ज्यादा बुरा, और ओ डब्ल्यू ओ आर एस टी ओस यानी सबसे अधिक बुरा, सबसे अधिक बेकार, ठीक है? Yes. हाँ। फिर आता है वी, डब्ल्यू डबल ई के वी, वी का वी क्या है? सप्ताह नहीं, वी कह रहे यहां पर कमजोर होगा, डब्ल्यू डबल ई के वी, वी कह रहे सप्ताह होता है, ठीक है बेटा? Yes. इस पर भी अंतर है। आपको हमने होमोफोन से बताया था, होमोफोन बताने को बताया था, वी और वी, डब्ल्यू ई ए के वीक, वीक यानी कमजोर, और डब्ल्यू डबल ई के वीक, वीक यानी सप्ताह। तो यहां पर ये वीक है बेटा, तो वीक यानी कमजोर, वीकर यानी ज्यादा कमजोर, और वीकेस्ट यानी सबसे अधिक कमजोर। अब यहां देखिए, हमने जो आपको नियम बताया था कि शब्द के अंत में यदि कोई कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आता है किंतु उसके पहले कोई स्वर आता है तो डबल करना होता है, किंतु यहां पर दो स्वर एक साथ आ गए हैं, इसलिए यहां पर के को डबल नहीं किया गया है, ठीक है? Yes. जब भी कॉन्सोनेंट आए उसके पहले स्वर आए कि तो डबल आ जाए, दो स्वर आ जाए, तो हम उसको डबल नहीं करते। विक विकर विकेस्ट। आगे ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है? बी आर ए वी, ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेवर यानी ज्यादा बहादुर, ब्रेवेस्ट यानी सबसे अधिक बहादुर। फिर आता है रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित, आर ई जी यू एल ए आर, रेगुलर यानी जो तुम लोग रोज स्कूल आते नहीं आते? Yes. हाँ, जो हर दिन आता है उसे रेगुलर स्कूल आता है कहते हैं, यानी नियमित रूप से आता है। इसमें बेटा यहाँ ये सब बड़ा है, इसमें ज्यादा सिलेबल है, इसलिए इसमें हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मोर रेगुलर यानी ज्यादा नियमित, और मोस्ट रेगुलर यानी सबसे अधिक नियमित, ठीक है? Yes. फिर एफेक्टिव फैट, फैट यानी मोटा, देखो ए आया है टी के पहले, यानी एक वावेल है इसलिए टी को डबल कर दिया गया, और फिर ई आर डी एस टी जोड़ा गया है, ठीक है? फेटर ज्यादा मोटा, और फेटर यानी सबसे अधिक मोटा। फिर आता है डब्ल्यू आई डी वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा या विस्तृत, वाइडर ज्यादा चौड़ा। अब यहां पर देखिए कि अंत में तो क्या आया है, ई आया, और ई एक वावेल है इसलिए केवल इसमें आर जोड़ दिया गया, हो गया, ठीक है? और इसे केवल एस टी जोड़ दिया गया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब किसी शब्द के अंत में कोई वावेल आता उसमें ई आए, मान लो तो ई आए तो उसको उसके आगे केवल आर लगा देते हैं और एस टी लगा देते हैं, ठीक है? Yes. अलग से आपको ई ई जोड़ के ई एस टी ई आर एस टी लगाना है, तो गलत हो जाएगा। आपको केवल क्या करना है, यहाँ आर जोड़ देना बस, आगे जैसे यहां हमने जोड़े, ठीक? वाइडर यानी ज्यादा चौड़ा, और वाइडेस्ट यानी सबसे अधिक चौड़ा। फिर आता है नेरो, नेरो यानी सकरा, है ना? नेरोअर ज्यादा सकरा, और नेरोएस्ट सबसे अधिक सकरा, स्पेलिंग एल ए डबल आर ओ डब्ल्यू, नेरो, ठीक है? फिर इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट यानी होशियार, होशियार। ये भी सब बेटा बड़ा है, ज्यादा सिलेबल इसमें, शब्द खंड ज्यादा है, इसलिए इसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग किया गया है। मोर इंटेलिजेंट यानी ज्यादा होशियार, और मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सबसे अधिक होशियार, ठीक? यस। डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट शब्द बेटा बड़ा है, इसमें ज्यादा शब्द खंड है, इसलिए इसमें मोर और मोस्ट जोड़ा गया है। तो डी आई डबल ए वाई सी यानी डिफिकल्ट यानी कठिनाई या कठिन, मोर डिफिकल्ट यानी ज्यादा कठिन, और मोस्ट डिफिकल्ट यानी सबसे अधिक कठिन,
आगे डीआर में प्रिय, जो हमको प्रिय होता नहीं होता, तो फिर उसका जाएगा डियर और डियरेस्ट। यहां देखिए ये आर कॉन्सोनेंट है, इसके मैंने दो वावेल आए, इसलिए हम आर को डबल नहीं कर रहे हैं, डियर और डियरेस्ट। ठीक, फिर नियर, इसमें वही बात है, नियर यानी पास समीप, नियरेस्ट नियर यानी ज्यादा पास, और नियरेस्ट यानी सबसे अधिक पास। ठीक, फिर हैपफुल, फैपफुल यानी होता है वफादार, जैसे कुत्ता हमारा फैपफुल जानवर है, कुत्ता हमारा पालतू जानवर है और वफादार है, तो वफादार शब्द के लिए फैपफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये भी शब्द बेटा बड़ा है, लंबा है, इसकी वर्तन ही, और इसमें ज्यादा शब्द खंड है, ज्यादा सिलेबल है, इसलिए इसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग हमने कर दिया है। ठीक, मोर फैपफुल यानी ज्यादा वफादार, और मोस्ट फैपफुल यानी सबसे अधिक वफादार। आगे इजी, ई ए एस वाई, इजी इजी यानी सरल। अब इसमें वाई अंत में आया है, तो वाई को हटा करके एक आई कर दिया, फिर ई आर एस टी जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, इजी इजियर और इजीएस्ट, इजियर यानी ज्यादा सरल, इजीएस्ट यानी सबसे अधिक सरल। फिर आगे क्लीन, सी एल ई ए एन, क्लीन, क्लीन यानी साफ सुथरा, क्लीनर ज्यादा साफ सुथरा, और क्लीनर सबसे अधिक ज्यादा साफ सुथरा, है ना। अब देखिए बेटा अगला शब्द है लो, एल ओ डब्ल्यू लो, लो का मतलब होता है नीचा, क्या होता है नीचा, इसका क्या हो जाएगा लोअर ज्यादा नीचा, और लोएस्ट यानी सबसे अधिक नीचा। ठीक है, yes। अब याद रखिए आपको एक बात देखने को मिलेगी कि अंत में डब्ल्यू आया, और डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले एक वावेल ओ आया है, तो हमने यहां पर इसको डबल क्यों नहीं किया, है ना, yes। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी शब्द के अंत में डब्ल्यू आए और उसके पहले कोई स्वर भी आता है, तो उसको हम डबल नहीं करते। बेटा वाई और डब्ल्यू को कुछ स्थितियों में हम स्वर के समान उसका प्रयोग करते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं अंग्रेजी में जब डब्ल्यू और वाई इन दोनों को हम स्वर की भांति प्रयोग करते हैं, इस वजह से जब किसी विशेषण के अंत में ये डब्ल्यू आता है तो और उसके पहले स्वर आता है, तो उसको हम डबल नहीं करते, सिंगल में ही ईआर और एसटी जोड़ करके डिग्री बना लेते हैं। वाई, वाई जब आता है तो वाई का हम आई कर देते हैं, जैसा कि आपको हमने पहले नियम बताया। ठीक है, yes। तो समझ गए आप लोग, yes। तो आगे सब क्या है, क्यू यू आई सी के क्विक, क्विक का मतलब होता है शीघ्र, क्या होता है शीघ्र, क्विकर यानी ज्यादा शीघ्र, और क्विकेस्ट यानी सबसे अधिक शीघ्र। ठीक, yes। तो इस तरह बेटा यहाँ ये इतनी डिग्री हुई, अब हम इसके आगे की डिग्री, आगे के जो शब्द है विशेषण है उनकी डिग्री भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, yes। तो हम यहाँ देखेंगे बेटा, देखो अगला शब्द है एस ओ एफ टी साफ, साफ यानी नरम। ठीक, साफ्टर या जो के एसओ के साफ्टर बना दिया गया है, यानी साफ साफ्टर साफ्टर। इसी प्रकार हार्ड, हार्ड यानी कठोर या कठिन, हार्ड यानी ज्यादा कठिन या ज्यादा कठोर, और हार्डेस्ट यानी सबसे अधिक कठिन या सबसे अधिक कठोर। फिर हार्ट, ये दोबारा आगे बढ़े यहां पर, हमने दोबारा लिख दिए एच ओ टी हार्ट, हार्ट यानी गर्म, और टी के पहले वावेल आया है ओ, इसलिए टी को डबल कर दिया गया यहां पर, हार्टर और हार्टेस्ट, हार्ट यानी गर्म, हार्टर यानी ज्यादा गर्म, हार्टेस्ट यानी सबसे अधिक गर्म। कूल, अब यहां देखिए कूल में डबल ओ आया है और अंत में एल आया है, क्योंकि दो वायल नॉवेल है सासत आ गए हैं, इसलिए हम एल को डबल नहीं कर रहे हैं, क्या हो जाएगा कूल का कूलर और कूलर डबल एल नहीं करेंगे, सी ओ डबल एल ई आर कूलर, सी ओ डबल एल ई एस टी कूलर, कूल का मतलब ठंडा, कूलर यानी ज्यादा ठंडा, और कूलर यानी सबसे अधिक ठंडा। फिर अर्ली, ई ए आर एल वाई अर्ली, और अर्ली यानी होगा शीघ्र, अंत में वाई आया है, वाई का हम आई कर लेंगे और ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे, तो अर्लियर और अर्लिएस्ट हो जाएगा, और अर्लियर यानी ज्यादा शीघ्र ज्यादा जल्दी, और अर्लिएस्ट यानी सबसे अधिक जल्दी या सबसे अधिक शीघ्र। फिर एल एटी लेट, लेट यानी देर या देरी, लेटर यानी ज्यादा देरी, और लेटेस्ट यानी सबसे अधिक देरी, है ना, यस, या सबसे अधिक बाद का, ये लेट यानी बाद भी होता है ना, लेटर यानी ज्यादा बाद का, और लेटेस्ट यानी सबसे अधिक बाद का, है ना, ये हो जाएगा। और फिर ए ई डब्ल्यू, न्यू, न्यू यानी नया। ठीक, ए डब्ल्यू आगे देखो, अभी जो नियम बताया था हमने, और उसके पहले ई आया है जो कि एक वावेल है, किंतु डब्ल्यू जब आता है तो हम डबल नहीं करते,
सीधे ईआर और ईएसटी जोड़ देते हैं, न्यूअर और न्यूएस्ट, ठीक है? Yes. हाँ, ज्यादा नया और सबसे अधिक नया। फिर आता है वाई यू एन जी यंग, यंग यानी जवान या छोटा, यंग यानी ज्यादा छोटा, यंगेस्ट यानी सबसे अधिक छोटा, ठीक। फिर आता है डब्ल्यू आई एस वाइज, वाइज यानी होशियार बुद्धिमान, उसमें ई अंत में आया है तो केवल आर और एस टी जोड़ दिया गया है, यानी वाइजर और वाइजेस्ट, ठीक है? Yes. हाँ। फिर आता है अगली, यू जी एल वाई अगली, अगली यानी कुरूप या भद्दा, तो वाई अंत में आया है, इसका आई कर देंगे, ई आर जोड़ देंगे, आई कर देंगे और ई एस टी जोड़ देंगे, अगली और अगली एस्ट, ज्यादा भद्दा सबसे अधिक भद्दा। और फिर फुलिस, ए ओ डबल एल आई एस एच, फुलिस, फुलिस का मतलब होता है मूर्ख, ठीक। Yes. अब ये समझ बेटा, बड़ा है इसकी स्पेलिंग लंबी है, या हमें कह दे इसमें ज्यादा शब्द खंड है, इसलिए इसके आगे हम कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपर डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे, मोर पुलिस और मोस्ट पुलिस, यानी ज्यादा मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख या सबसे अधिक मूर्ख, ठीक। और अंत में क्या है, टी एच आई सी के थिक, थिक का मतलब होता है घना, या इसका मतलब बड़ा भी होता है, तो थिक यानी घना, थिकर यानी ज्यादा घना, और थिकेस्ट यानी सबसे अधिक घना, ठीक है? Yes. समझ आ रहा है लोगों को? Yes. तो बेटा इस तरह से हम लोगों को ये जो डिग्रीज है, आपको मैंने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव और सुपरेटिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी बताई, और आपको बहुत सारे नियम भी बताए, आपको याद रखना है और ध्यान रखना है कि इसी ये जो सूची है, इसी सूची से आपको परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, ठीक है? Yes. समझ में आ गया? Yes. बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया, बोलिएगा जय।